शाहरुख खान को, जो कि अंबानी इसकी शादी के फंक्शन में गए हैं और वहां स्टेज पे शाहरुख ने आके कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम एंड जय श्री राम, तो मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो साउंड बड़ी अच्छी लगी। एंड फॉर वेरी गुड मेजर जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो शांति प्रियो की लंका लग गई सीरियसली, एंड जो गालियां इनको देनी शुरू की है उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इधर उधर, मतलब आप मान नहीं सकते हैं कि इस तरीके का हेट, आई थिंक आई हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर शाहरुख खान। ऐसे तमाम शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं। मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 111 बिलियन डॉलर है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि 200 इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। He is the richest person in Asia and he is a blessing for the Indians. वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन प्लॉट पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की, बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी वेला मचा। तो पीएसएल के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके पीएसएल को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। कल चड्डी बनियान तक उतार दी किसने? नाना देन अंबानी ने, मुकेश अंबानी। लॉर्ड राम की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, योर होल फैमिली टू ऑलवेज बी हैप्पी। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़कर चले गए हैं। पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रही थी लेकिन कैरन पोलार्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए वो पीएसएल छोड़कर चले गए। पाकिस्तान में उन्हें इसका काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की, तो अभी शादी के जो प्रॉपर इवेंट है वो शुरू नहीं हुए, ये प्री इवेडिंग जो पार्टीज हैं गालाज है वो चल रहे हैं। देखिए ना, ये पूरे पीएसएल के लिए ना एक जनरल एक मुंह पे तमाचा है कि कैरन पोलार्ड जो कि कराची किंग्स के अंदर अकेला ही बैट्समैन जो हमें छक्के मारता हुआ नजर आ रहा था, ऑलरेडी कराची किंग्स के इतने बुरे हालात चल रहे हैं, दौरान मैच उन्होंने बोला कि भाई ठीक है मुझे अंबानी साहब ने बुला लिया है, तो ठीक है मुझे मेरे बाप दादा ने बुला लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी 3-4 दिन से कैरन पोलार्ड वहाँ पे और कराची किंग्स इतने बुरे हालात जा रहे हैं, तो कौन रोकेगा इनको यार? देखें पहले ही पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आया। कैरन पोलार्ड इवन मुंबई इंडियन का बैटिंग कोच है, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहा है। हमारी लीग के ये तो बुरे हालात है, जो बूढ़े प्लेयर हैं हम उनको खिला रहे हैं पर वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, जब चाहे दिल करे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी ऐसी न्यूज हिंदुस्तान से आ रही है जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। भाई सुना है जो है अनंत अंबानी के शादी का जो इन्विटेशन कार्ड है, वो कार्ड जिसको भेजा जा रहा है उस कार्ड में बड़ी बड़ी कीमती चीजें निकल रही है, ये पाकिस्तानी मीडिया बड़ा जोश और बड़ा छड़ा के बता रहे। भाई हमने जहां तक सुना है कोई कह रहा है कि भाई वॉच है उसके अंदर, कोई ऐसी घड़ी है उसके अंदर जिसकी कीमत जो है वो 3-4 लाख रुपए है, तो भाई कोई बता रहा है कि उसमें आईफोन 15 निकल प्रो मैक्स, तो कोई बता रहा है कि उसमें सोने का ब्रेसलेट है, कोई क्या बता रहा है। ये न्यूज सुनकर दोस्तों पाकिस्तान हो गया है सदमे से बेहाल और बेहोश हो गया है पाकिस्तान। यार जहां पर अनंत अंबानी की शादी में अफगानिस्तान के राशिद खान को भी बुला लिया यार, उसको भी इनविटेशन कार्ड भेज दिया और उस कार्ड में भी उसको आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल गया। भाई मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान की मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। और पाकिस्तान से सिर्फ पोलार्ड नहीं बल्कि 4 प्लेयर जो है अंबानी सर के बेटे की शादी में जो है वो पीएसएल छोड़ के आए हैं। पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा हालत खराब है, वो लोग तो भाई इतने जल रहे हैं कि जल जल कर राख हो चुके हैं कि भाई आखिर हमारे पीएसएल की औकात क्या है कि भाई एक शादी के लिए बंदा पूरा लीग छोड़ के 4 बंदे भाग गए, 4 टीमों की कुटाई हो गई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पर बहुत सारे अंबानी की बात कर रहे थे कि अंबानी देखें वो उनका एक बहुत बड़ा बिलीनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलीनियर्स में से उसका नाम 14 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कंट्री को दुनिया में
वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है, वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते यार। इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते हैं कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर, इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज में करना होता है, वो अपना कैनेडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं। इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं, उनका पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पे सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से जिस तरीके से जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी, तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है, इनकी लॉयल्टी है ही नहीं, इनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के साथ है। इस शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज़ याद रहती है और वो होता है खाना, खाने। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी, इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स है वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे, पीएसएल वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई पीएसएल आपका खेल इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली बिल्कुल, क्योंकि वहां से पैसे ज्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं, तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफर मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफर भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसे पीएसएल में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने वो क्या करना मतलब, तो वो इस वजह से की भी बात करें ना कि मतलब अगर इंडिया की कुजीन की बात करें तो दुनिया में 5th नंबर पर है, और वो अब उसमें दूसरे कुजींस भी हैं, जापानीज भी हैं, इसमें यूएस के भी कुछ खाने बनाए जाएंगे, लेकिन अपने खानों को फॉरेनर्स के सामने रिप्रेजेंट करना। एशियन फूड जो है ना ये पूरी दुनिया में मशहूर है और फिर हिंदुस्तान के मसाले, आप कुछ अर्सा पहले चले जाए 200 साल